कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, सियासत में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप जनता के दिल में उतरना चाहते हैं तो उनका दर्द समझना होगा, उनके मुद्दों को अपना बनाना होगा। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता भी अपना मन बनाने लगी है। जनता पिछले 5 सालों का आकलन कर रही है, वो याद कर रही है उन वादों को जो 5 साल पहले किए गए थे। क्या मिला क्या छूटा, जनता को सब याद है। इन्हीं यादों में झांकने के लिए अस्तित्व न्यूज की टीम उन्नाव पहुंची। यहां हमारी टीम ने उन्नाव जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र के कटरी का दौरा किया। यह गांव कभी विकास की मुख्य धारा से अछूता था। यहां की जनता चुनाव के दौरान बस वोट डालने के काम आती थी, लेकिन बीजेपी से मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता ने जब से विधानसभा की बागडोर अपने हाथों में थामी तो गांव की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। इलाके में पुल, नाले, सड़कों का चौड़ीकरण, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों ने पिछले 5 साल में यहां की जनता का दिल जीत लिया। पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता क्यों, क्या विकास करवाया है पंकज गुप्ता ने? पंकज गुप्ता जो करावा है, अब जो उनका सामने है तो सब चीज विकास जाने मिली, जो है वो विकास जाने मिलेगा। नहीं, क्या करवाया है इन 5 सालों में विधायक रहे हैं पंकज गुप्ता, क्या विकास करवाया? नाली और ये सब करावा है। और क्या मेन विकास क्या कराया उन्होंने? रोड बनी है, जैसे रोड बनी है, अब जैसे यह बन गए है, अयाकाऊ बनने हुए थे। उन्नाव में अगर विकास के मुद्दे उठाए जाएं तो क्या लगता है कौन विधायक बनेगा इस बार? पंकज गुप्ता। क्यों पंकज गुप्ता ही क्यों, क्या विकास करवाया है पंकज गुप्ता ने कि पंकज गुप्ता ही को आप विधायक बनाना चाहते हैं? इतना बढ़िया काम किया है, गाय वाय का सबका, रोड नाली सब बनवाते हैं, अच्छा काम किया है। अरे हमारे लिए बहुत काम करते हैं। क्या विकास के कार्य करवाए हैं? विकास बहुत किया हम लोगों के, यहाँ आते ही बहुत हैं, वही काफ़ी है। कार्य क्या क्या करवाए हैं? कार राशन बंटवाते हैं, सभी कार करवाते हैं, नाली खरंजा और बहुत मदद किया गाय में। अच्छा, गायों को लेके किस तरह से मदद की? अरे सब भिजवाया, सब गौशाला कर में। ग्रामीणों का साफ कहना था कि पंकज गुप्ता ने उनके दर्द को समझा है, वो हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए, इसलिए जनता इस चुनाव में उनका कर्ज उतारना चाहती है। वहीं पंकज गुप्ता भी जनता के बीच मिल रहे इतने प्यार और सम्मान से जनता के शुक्रगुजार हैं। आज व्यक्तिगत स्तर पर यदि मैं विधानसभा की बात करूं, तो जो बीच बीच में छूटे हुए काम थे, बीच के साथ से नहीं हो पा रहे थे, चाहे पुलों के काम हो, चाहे मार्गों के चौड़ीकरण के काम हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करने का कार्य रहा हो, चाहे फ्लोराइड जितने भी स्थान थे पानी का अभाव रहा हो जनता को, और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को सुंदरीकरण कराने का काम रहा हो और बिजली देने का दाम भाव काम रहा हो, ऐसे बहुत सारे काम, पर्यटन स्थल बनाने का काम, मैं ढेर सारे काम गिना सकता हूँ जिनके आधार पर जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्नाव में हम लोगों के साथ खड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि मैं योजनाओं की बात करूँ, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जनता को लाभ देने वाली एक भी योजना का नाम सामने बैठे हुए नेता नहीं बता सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी और योगी जी की जब से सरकार आई है, जनधन खाते खुलवाने से लेकर किसी को सिलेंडर, किसी को शौचालय, किसी को आवास, किसी को पेंशन, किसी को किसान सम्मान निधि, किसी को आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख का बीमा बीमारी का इलाज कराने के लिए, और नहीं कुछ तो 1.5 साल से मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है, तो योगी और मोदी जी की सरकार कर रही है। तो जनता इन बातों को समझ रही है कि वही सरकारें हैं, वही पद भी है, लेकिन व्यक्ति के बदलने से योजनाएं सीधे उनके खाते में पहुंच गई। पहले इन योजनाओं का पैसा नेताओं के खाते में जाता था, आज सरकार का पैसा जनता के पास जा रहा है, जनता को नहीं मिल रहा। विधायक पंकज गुप्ता के द्वारा इलाके में किए गए विकास कार्यों से ये बात तो साफ हो गई कि फिलहाल उनको पछाड़ना आसान नहीं है, इलाके में विरोधियों के लिए वो एक बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।